नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। तस्वीरें दिखा रहे हैं सिरसा से। सरपंचों का बड़ा ऐलान था कि 30 मई को होगा जन आंदोलन। सरपंच करने जा रहे हैं महापंचायत, महारैली बोल सकते हैं कि सरपंचों द्वारा ऐलान किया गया था कि ये सरपंच आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है। तो आज भारी काफले के साथ सरपंच एसोसिएशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष बैनीवाल अपने काफले के साथ निकली हैं। उनके साथ हैं जसकरन कंग, जो कि शेखू खेड़ा से सरपंच हैं और सिरसा जिला के प्रधान हैं। मांगेराम बैनीवाल कागदाना के सरपंच प्रतिनिधि हैं। मखो सराहनी सरपंच सुभाष हैं। इनके साथ चौपटा के 54 गांव के सरपंच इस काफले में मौजूद हैं और अपनी गाड़ियों के काफले के साथ आज रवाना हुए हैं जींद के लिए। और जाते उन्होंने यही बोला है कि 2024 में बीजेपी का जो सूपड़ा है वो साफ होगा, जो जनता है वो परेशान हो चुकी है। छोटी सरकार का दर्जा देते हुए सरपंचों पर जो सरकार के अत्याचार हैं वो एक खुली किताब की तरह है। तो यही इस विषय में बात करते जसकरन कंग ने भी कहा कि हम अपनी पूरी तैयारी के साथ हैं, जो हमारे गांव हैं हमारे समर्थन में हैं। ये एक जन सैलाब है, जनता का जुनून है, जो परेशान हो चुके हैं बीजेपी सरकार से और क्या क्या कह रहे हैं देखते हैं एक वीडियो के माध्यम। सारे सरपंच साथियों सत श्री अकाल, राम राम। सारे साथियों, असीं जींद लई रवाना हो चुके हैं। सारा एलनाबाद ब्लॉक, सिरसा डिस्ट्रिक्ट, जिन्हें भी सरपंच साथी है वो जींद वास्ते रवानगी पा चुके हैं। तो होर भी जे कोई मेरा साथी रह गया, मैंबर रह गए या जां कोई भी सरपंच साथी रह रहा, तो वह अज जींद पहुंचन जल्दी तो जल्दी, क्योंकि जो आप अज बीजेपी के खिलाफ सरपंच साथियों ने आपकी एकता विखा के रैली करी है, उन्होंने कामयाब करने वास्ते 2024 दे विच बीजेपी नू सारा आपां उहदा शीशा दिखाउणा, इहदा पिंडां दे विचों एक भी वोट ना निकले। इस करके आपां बीजेपी दे खिलाफ है जिहड़ी साडी सरपंचां दी रैली हो रही है 30 मई नू जींद, उहदे वास्ते सारे सिरसे जिले ने रवानगी पाती है। ते ज्यादा तो ज्यादा साथी उत्थे जींद पहुंचण दी कोशिश करो। इन्ने कहिंदे होए सारे साथियों नू धन्नवाद। देखिए, 9 साल हो गए जो भी सरकार को आए, मीडिया को पहले भी इन्होंने रोका था और आज भी वही तानाशाही बात आ रही है कि मीडिया को, क्योंकि कहीं भी मीडिया आती है और किसान खड़े होते हैं या जो भी सरपंच खड़े होते हैं, इनके जो भी है विपक्ष में खड़े होते हैं, उनको दबाने का काम किया जा रहा है। और ये भी जो कल भी ये चीज हुई है, क्योंकि सभी जो मेरे यूट्यूबर भाई थे, जो पत्रकार भाई है, उनको वहां पे चंडीगढ़ में बुलाया गया है और इनको दबाने का काम किया गया है और खरीदने का काम किया गया है। मैं इस सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे मीडिया कर्मचारी भाई गए थे वहां पे, उनके दुपट्टे तक आध बाहर उतार लिए थे कि दुपट्टे बाहर रख के जाओ। क्या बात, सरकार इतनी डर चुकी है, दुपट्टों से भी डर लगने लगा है। 50% आरक्षण दिया है तो आज महिलाओं से इतना डर क्यों है कि अंदर एंट्री करते हैं तो उनके दुपट्टे बाहर रखे जाते हैं। तो सामने दिख रहा है सारा कुछ, क्योंकि जो भी मीडिया है आज आवाज उठाने का काम करती है तो उसके दबाने का ये काम कर रहे हैं कि हमारी अच्छाई दिखाई। अच्छा तो इन्होंने किया ही नहीं, 9 साल हो गए। अच्छा किया होता तो इनको जनसंवाद करने की जरूरत ना होती, क्योंकि जनसंवाद किया 3 दिन तक जनसंवाद चला इनका, उसके अंदर इतना विरोध हुआ है, हर वर्ग विरोध भी उतरा हुआ था। तो काम अच्छे किए होते तो विरोध ना होता। जी धन्यवाद। हमारे साथ कागदाना गाँव के सरपंच है मांगेराम जी बैनीवाल। मांगेराम जी, क्या ये चोपटा से ही इकट्ठे होके जा रहे हो, हरियाणा प्रदेश के लोग और भी आपके साथ आएंगे? पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग साथ आए। देखना, आज जींद में बहुत जबरदस्त एक रैली होगी। नहीं, विपक्ष तो नहीं घुस गया आपके बीच में कि दूसरी राजनीतिक पार्टी वाले वो रैलियां करवा रहे हैं? ये तो सरकार का काम है लांछन लगाना, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई विपक्ष नहीं है, सारे सरपंच भाई और गांव के, मतलब आम गांव के लोग हम आपके साथ हैं। बिल्कुल साथ हैं।